वेलकम टू जॉइन टू लर्न। दोस्तों, कोरल ड्रॉ के अंदर पावर क्लिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल होता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पावर क्लिप को हम कैसे और अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पावर क्लिप होता क्या है। तो दोस्तों, पावर क्लिप एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। पावर क्लिप को कैसे यूज़ करना है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कोरल ड्रॉ ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में कोई भी एक शेप लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एक सर्कल लेता हूँ इस तरीके से। इसके बाद में एक इमेज आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे कि मैं अगर सर्च करूं क्रैकर्स की इमेज, तो ये देखिए बहुत सारी इमेज मुझे मिलती है क्रैकर्स की। कोई भी इमेज आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं ये इमेज सिलेक्ट कर लेता हूं। राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए इमेज को, कोरल ड्रॉ पे आइए और यहाँ पे कंट्रोल वी करके इमेज को पेस्ट कर दीजिए। अब एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों कि इस इमेज को हम इस दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे पावर क्लिप की मदद से। तो ये जो इमेज है, इसका साइज़ इस दूसरे वाली इमेज से थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ये देखिए, ताकि ये पूरा इसको कवर कर ले। अब ये इमेज सिलेक्टेड है आपकी। अब आइए इफ़ेक्ट पे, इफ़ेक्ट के बाद आइए पावर क्लिप पे और प्लेस इनसाइड द कंटेनर सिलेक्ट कीजिए। अब इस इमेज को आपको जहाँ पर भी इंसर्ट करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। तो ये देखिए, इमेज इस सर्कल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अब दोस्तों, मान लीजिए कि इस इमेज को जो आपने इंसर्ट करी है, इसकी पोजीशन अगर आपको शिफ्ट करनी है, तो उसके लिए आप कंट्रोल का बटन प्रेस करिए और इस ऑब्जेक्ट को जो सर्कल है इसको डबल क्लिक करिए। तो ये देखिए, आपको अब ये जो पावर क्लिप है ये आपको नज़र आने लगेगी। अब आप इसको सिलेक्ट करके इसकी पोजीशन जैसी चाहे आप शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने के बाद में अब आप आइए और बाहर आपको आना है इसके, तो बाहर आकर कंट्रोल का बटन दबाइए और डबल क्लिक कर दीजिए, तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। तो हमने अभी एक इमेज ली है, उसको हमने दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट करा है। एक और यूज़ है इसका, वो भी हम देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक फ्रेम ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, मैंने एक फ्रेम ड्रॉ करी है। बैकग्राउंड कलर मैं इसका वाइट कर देता हूँ। अब मान लीजिए इस फ्रेम के अंदर कोई डिज़ाइनर आपको ग्राफिक ऐड करने हो, तो पावर क्लिप की मदद से हम बहुत आसानी से वो कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसके लिए एक ओवल शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अब मैं कंट्रोल डी का बटन प्रेस करके इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ और उसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसी जो ओवल शेप का जो इतना पार्ट है वो केवल दिखे, बाकी सारा का सारा हाइड हो जाए। ये काम भी हम पावर क्लिप की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले ये इफ़ेक्ट, देन पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड द कंटेनर और फ्रेम के अंदर उसको शिफ्ट कर दीजिए। इसके बाद में ये देखिए जो पोजीशन है इसकी, बीच में आ रही है, हम चाहते हैं कि ऊपर आए। तो फिर से कंट्रोल का बटन दबाइए और इस फ्रेम को, बाहर वाली को डबल क्लिक कीजिए, आप पावर क्लिप के अंदर आ जाएंगे। अब इसको आप शिफ्ट कर लीजिए। पोजीशन देने के बाद में बाहर आइए, कंट्रोल का बटन दबाइए और बिल्कुल ऐसे ही आप दूसरे ओवल शेप के साथ भी करेंगे। आइए, इफेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड द कंटेनर, दस। इसके बाद में पावर क्लिप के अंदर आना है, कंट्रोल का बटन दबाइए, डबल क्लिक कीजिए और अपने हिसाब से जो भी पोजीशन आपको देनी है आप सेट कर दीजिए।
बाहर आना है, माउस का कर्सर बाहर लाइए, कंट्रोल का बटन दबाइए और डबल क्लिक कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप एक ग्राफिकल डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रेम के अंदर। ये बहुत समय काम आता है जो हम बैनर्स, विजिटिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स वगैरह बनाते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो दोस्तों ये था पावर क्लिप का डेमोन्स्ट्रेशन। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।